ये वीडियो यूपी के हापुड़ से सामने आया है। यहाँ कावड़ियों के मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ झड़प हो गई। कावड़ियों का आरोप है कि मदरसे के पास से गुजरने के दौरान उन पर थूका गया और कावड़ यात्रा को खंडित करने की कोशिश की गई। बवाल की सूचना पुलिस तक पहुंची तो उनके हाथ पैर फूल गए। थूके जाने से कावड़ियों में आक्रोश फैल गया और उन्होंने जमकर हंगामा शुरू कर दिया। वहीं तमाम हिंदुवादी नेता भी मौके पर पहुंच गए और आरोपी युवक के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन करने लगे। इस मामले में विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष सुधीर अग्रवाल ने कहा है कि एक कावड़िए पर मदरसे के सामने थूका गया और चैलेंज किया गया कि हम यही करेंगे, अगर रोका जा सके तो रोक लो। एक कावड़िए के ऊपर मदरसे के सामने थूका गया और उसके बाद उसे चैलेंज किया गया कि हम तो यही करेंगे, अगर आप लोगों से कुछ हो सकता हो तो रोक ले। प्रभु की कृपा थी कि सभी कावड़ियों को समझा के यहाँ से भेजा गया है, लेकिन प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि जिसने थूका है उसे पकड़ के सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ये विधर्मियों का काम हम सहन नहीं करेंगे। पुलिस के एसपी सहित सभी अधिकारी मौके पर पहुंचे, क्या पुलिस अधिकारियों ने आपको आश्वासन दिया है? आपके सामने स्थिति है, पुलिस प्रशासन सब आपके सामने था, लेकिन क्या व्यवस्था हुई? अभी तक ये हमारी नाकामी है कि अभी तक हम उस व्यक्ति को पकड़ नहीं पाए। कावड़ियों की डिमांड थी कि उस व्यक्ति को पकड़ा जाए और सख्त से सख्त हमारे सामने सजा दी जाए। उधर सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन आनंद फानन में फोर्स के साथ मौके पर पहुंची। पुलिस अधिकारियों ने आक्रोशित कावड़ियों को समझा बुझा कर किसी तरह मामला शांत कराया और उन्हें वापस भेजा। वहीं हापुड़ के अपर पुलिस अधीक्षक विनीत भटनागर ने बताया कि हापुड़ में तगासराय से होकर एक कावड़ जा रही थी। हिंदू पक्ष से कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ बड़ा मदरसा है, उधर की तरफ से किसी व्यक्ति ने कावड़ का अपमान किया है। इसकी सूचना जब पुलिस को हुई तो पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने कावड़ियों को समझा बुझा कर शांत किया है। ये तगासराय में शुरू करके एक कावड़ जा रही थी, कुछ लोग उसमें थे, कुछ लोग बस थे, उनका कहना है कि यहाँ पे स्थानीय जो बड़ा मदरसा था उसको काफी किसी व्यक्ति ने कावड़ का अपमान किया है, उसको छुपा है। तुरंत ही पुलिस इस घटना की सूचना मिलती है, मौके पहुँची, लोगों को समझा बुझा करके उनको बताया कि जिसने भी इस प्रकार की कोई कार्रवाई ऐसी करी है कि जिससे आस्था के ऊपर चोट करती है तो हम कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। कुछ वीडियो है हमारे पास में, उन वीडियो का सहारा लेकर जिन व्यक्तियों ने इस प्रकार का दुष्कृत किया है उनके विरुद्ध ठोस कार्रवाई। मामले में पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जिसके द्वारा भी यह हरकत की गई है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।